दोस्तों मेरे पास है आईफोन 13 प्रो मैक्स है, आप देख सकते हो आईफोन 13 प्रो मैक्स ब्लू कलर है। आप इधर देख सकते हो इसका स्टेनलेस स्टील डिज़ाइन यूज़ किया गया है। इसका बॉडी जो फ्रेम आता है वो स्टेनलेस स्टील डिज़ाइन है और इसमें आपको बैक साइड जो है वो मैट फिनिशिंग दिख रहा है, वो आपको कंप्लीट ग्लास डिज़ाइन आता है, वो ग्लास को मैन्युफैक्चरिंग कर देता है आपको। इसमें आपको जिस तरह के एल्यूमिनियम फ्रेम लगाए गए वो एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं होता है, आपको इसमें देख सकते हो आप एक कंप्लीट ग्लास डिज़ाइन होता है। आपको फ्रंट और बैक साइड आपको ग्लास ही मिलेगा। इसमें आपको दो टाइप्स आते हैं, ग्लास में आपको मैन्युफैक्चरिंग में करने का टाइम आपको मैट फिनिशिंग दे देते हैं और इसमें ग्लास फिनिशिंग आ जाता है। अभी इसमें आपको कैमरा का एंगल देख रहे होता, आप देख रहे थे ना, आप उधर उधर आपको ग्लास डिज़ाइन दिया गया है और इधर बैक साइड जो है आपको मैट फिनिशिंग दिया गया है उसमें। और इसमें आपको दो तीन कैमरा सिस्टम और लाइडर स्कैनर और एक फ्लैश एंड आपको और एक छोटा वाला स्पीकर देख सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको बैकग्राउंड में जो आपको वीडियोस शूट कर रहे हो जो भी आपको उसमें जो बैकग्राउंड जो साउंड है वो कैप्चर करने के लिए वो उधर दिया गया है। और इसमें आपको बॉडी डिज़ाइन जो है आपको देख सकते हो स्टेनलेस स्टील फ्रेम डिज़ाइन दिया गया है। उसको फ्रेम स्टेनलेस स्टील में क्या होता है आपको उसको स्ट्रांगनेस आपको टफेस्ट बॉडी बन जाती है, आपको गिरने के बाद आपको उतना प्रोटेक्ट कर सकती है कि आपको डैमेजेस ना हो डिस्प्ले को और बॉडी को। और इसमें डिपेंड्स करता है कि कैसे गिरता है आपको, कितना ऊपर से गिरता है, बाद में खुद के बाद भी डैमेज हो सकता है। और इसमें आपको नीचे देख सकते हो आप उधर आपको स्पीकर जो है माइक जो है आपको दो दिया गया है, उसको सब लोग सोचते हैं कि दोनों स्पीकर हैं। दोस्तों इसमें से आपको देख रहे हैं कि राइट साइड में जो है वो स्पीकर है, लेफ्ट साइड में जो रहता है आपको माइक दिया गया रहता है, क्योंकि आपने जो इसमें जो दिया गया है आपको दो तीन माइक एक ही माइक दिया गया है, बट उसमें ज़्यादा आपको प्लेस दिया गया है कि आपको जो भी बात के क्लैरिटी साउंड आने के लिए उसमें यूज़ किया गया है। और इसमें जो लाइटिंग केबल ऑब्वियसली आ जाता है आईफोन 13 प्रो मैक्स में। और इसमें जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है आपको OLED XDR डिस्प्ले यूज़ किया गया, वो भी एक तरफ से OLED डिस्प्ले है और एप्पल उसको XDR डिस्प्ले बना के भेजता है। और दोस्तों आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको मिलेगा 3 कैमरा सिस्टम, उसमें तीनों कैमरा बैक साइड जो कैमरा जो है आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा ही मिलेंगे और आपको फ्रंट कैमरा जो है उसका भी 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलेंगे। और इसमें जो क्या होता है आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट IP68 सर्टिफाइड फ़ोन है ये, उसमें आपको 6 मीटर डेप्थ और हाफ एन आवर टाइम से आपको पानी में वीडियो शूट और आपको फोटोज़ ले सकते हैं। और पानी में गिरा तो भी कुछ नहीं होगा, वो भी डिपेंड करता है सॉल्ट वाटर वो आपको कवर नहीं होता है वो। इसमें अभी वारंटी भी और एक दोस्तों इसमें वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट दिया गया है, वो आपको बाद में सर्विस सेंटर में जाने में कुछ प्रॉब्लम आने के बाद सर्विस सेंटर में जाने के बाद आपको वो भी कवर नहीं हो जाएगा, वो आपका रिस्क है। और दोस्तों अभी मेरे पास है आपको देख सकते हो आईफोन 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स है। अभी 15 प्रो मैक्स में कंप्लीट डिज़ाइन चेंज हो चुका है, उसका बॉडी डिज़ाइन चेंज हो चुकी है। और इधर देख सकते हो इसमें डायनामिक AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है आपको फ्रंट में ऑब्वियसली मिल रहा है। और इसमें आपको मेन थिंग है कि आपको स्टेनलेस स्टील आपको जो आईफोन 13 प्रो 12 प्रो 14 प्रो और 11 प्रो जब से यूज़ किया आता है अभी वो निकाल के आईफोन ने टाइटेनियम फ्रेम दिया गया है। उसमें टाइटेनियम फ्रेम में क्या होता है आपको भाई कंप्लीट लाइट वेट हो जाता है और इसको एक ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी आती है। ड्यूरेबिलिटी किस इन द सेंस आपको स्टेनलेस स्टील डिज़ाइन कंपेयर करने के बाद आपको इसमें हीट प्रोड्यूस करने का उतना क्षमता नहीं रखती है। आईफोन में आपको स्टेनलेस स्टील जो क्या होता है आपको कंप्लीट आपको रिसाइकल है और प्लस ड्यूरेबिलिटी है और इसमें आपको काफ़ी अच्छा फील आ जाती है कि आपको एक प्रीमियम फ़ोन यूज़ किया है। बट आईफोन 15 प्रो में टाइटेनियम फिनिश यूजिंग किया है, टाइटेनियम फिनिश यूज़ करने के क्या होता है आपको एक तरफ से ये भी रिसाइकल हो सकता है रिसाइकल है और आपको इसमें लाइट वेट भी है और इसमें हीट रिड्यूस करने का उतना कैपेसिटी नहीं है। आपको क्या होता है कि फ़ोन आपको यूज़ करते करते आपको क्या ग्लिच की वजह से आपको सॉफ्टवेयर की वजह से फ़ोन हीट हो जाता है, तब आपको ये आपको हीट रिड्यूस करने को उतना क्षमता नहीं रखती है जितना स्टेनलेस स्टील रखती है। और इसमें आपको मिलेगा बैक साइड में जो आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, ये भी ट्रिपल कैमरा सिस्टम का फ़ोन ही है। इसमें भी लेटर स्कैनर मिलेगी और आपको इसमें फ्लैश लाइट भी मिलेंगी और इसमें आपको जो बैकग्राउंड जो वीडियो जो कैप्चर करने का टाइम उसको साउंड जो रहता है वो भी कैप्चर करने का उसका एक्स्ट्रा स्पीकर माइक भी दिया गया है। और इसमें क्या होता है आपको 48 मेगापिक्सल एक कैमरा दिया गया है, बाकी दो कैमरा है आपको 12 मेगापिक्सल का है। और इसमें फ्रंट जो कैमरा है मेरे ख्याल से आपको मैं प्रिपेयर करता हूँ आईफोन 13 प्रो लगे चाहे आईफोन 13 प्रो और 15 प्रो कंपेयर किया तो उसमें आपको डायनामिक AMOLED डिस्प्ले और आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल कैमरा और IP68 सर्टिफाइड वो भी सेम ही है और आपको इसमें मिलेगा टाइटेनियम फिनिश मिलेगा क्योंकि लाइट वेट हो रही है फ़ोन। और इसमें थोड़ा स्मूथनेस जो है आपको हैंडी जो है कॉफ़ी थोड़ा फील आएगा। और इसमें आपको क्या होता है आपको
एक ही हाथ से यूज कर सकते हो क्योंकि iPhone 15 पर। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।